Okay then, so today's topic is describe the four states of decision environment in managerial applications, which is the most prevalent state. Give reasons with example. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं? स्टेट्स यहाँ पे राज्यों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सिचुएशंस की बात की जा रही है, या फिर एक तरह के कांस्टेंट एक एनवायरनमेंट की बात की जा रही है जिसके अंडर में मैनेजेरियल एप्लीकेशंस के तहत डिसीजंस आपको लेने होते हैं, ठीक है ना? और ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो कि प्रेवलेंट है, जो कि रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, वैसे हालत में ही आपको डिसीजन लेना होता है। ये जो चार अभी मैं आपको स्टेट्स बताने वाला हूँ, इन्हीं चार तरह के सिचुएशंस आपको रहेंगे जब भी आप डिसीजन लोगे, और इन्हीं तरह के चार सिचुएशंस में से आपको जो है डिसीजन लेना होगा, वेदर यू आर सर्टेन और नॉट, वेदर यू आर अनसर्टेन, वेदर यू आर हाफ सर्टेन, वॉट एवर। तो ये चीजें जो है आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये चारों स्टेट्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सर्टेनिटी, ठीक है? तो किसी भी डिसीजन मेकर में, कोई भी जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले होते हो, तो प्रोडक्ट की जानकारी वगैरह अगर आपके पास पहले से है, कि प्रोडक्ट की जानकारी मतलब प्रोडक्ट कैसा है, कैसे वो काम करता है, उसका इफेक्टिवनेस कैसा है, इन फ्यूचर में उसकी डिमांड वगैरह क्या होगी, अगर आप इस चीज की जानकारी अगर आपके पास है, तो कोई भी डिसीजन लेने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आप बहुत ही सर्टेनली उस डिसीजन को ले सकते हो कि ठीक है, मैं ये डिसीजन लेना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, राइट? बहुत ही आसानी से आप ले लोगे ये। लेकिन तभी पॉसिबल है जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वही सर्टेनिटी वाला स्टेट जो है वो निकल करके आता है डिसीजन मेकिंग में। वही बात यहाँ पे बोली गई है, इन दिस स्टेट द डिसीजन मेकर हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज, है ना? तो ये जो डिसीजन मेकर का सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है सर्टेनिटी वाला, इस स्टेट में क्या होता है, डिसीजन मेकर के पास जो भी हायर पोस्ट में बैठा होगा, डिसीजन वही लेता है, तो उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी प्रॉब्लम है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होंगी, उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं अगर आप वो डिसीजन लेते हो। देखो, डिसीजन कब लिया जाता है, जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है और आपको डिसीजन लेना है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करोगे, है ना? तो आपके पास प्रॉब्लम की पूरी जानकारी है, किस तरीके से आपको उसको टैकल करना है उसकी भी पूरी जानकारी है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम ले सकते हैं आपके, हो सकते हैं आपके डिसीजन लेने के बाद, उस चीज की आपके पास जानकारी है, तो ही आप सर्टेन होकर के उस डिसीजन को ले पाओगे। तो सर्टेनिटी एक स्टेट है जहां पे ये सारी चीजें जो है होती हैं। द आउटकम ऑफ द डिसीजन इज नोन विद सर्टेनिटी, है ना? जो आउटकम है डिसीजन का, वो आपको सर्टेन हो कि यही होने वाला है, जो भी डिसीजन आप लोगे उसका आउटकम आपको सर्टेन है, यही होने वाला ही है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चरर नोज एग्जैक्टली हाउ मच इट विल कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, हाउ मच रिवेन्यू इट विल जनरेट एंड व्हाट द प्रॉफिट मार्जिन विल बी। एक मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी सारी चीजें पता होती हैं कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसकी कॉस्टिंग उसको कितने पड़ने वाली है, कितना रेवेन्यू वो जनरेट करेगा अगर वो उसको सेल करता है, और कितनी प्रॉफिट वो अपने पास बचा पाएगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। एक मैन्युफैक्चरर को इस बात की सारी जानकारियां होती है। तो मैन्युफैक्चरर को जो भी डिसीजन लेने हैं वो किस स्टेट में लेने हैं, वो सर्टेन स्टेट में लेने हैं, सर्टेनिटी वाले स्टेट में लेने हैं, जहां पे कोई टेंशन उसके पास नहीं है कि उसका जो डिसीजन है वो सही होगा या गलत होगा, क्योंकि डिसीजन का आउटकम उसको ऑलरेडी पता है। तो ये पहला स्टेट है। दूसरा स्टेट है रिस्क का। तो रिस्क तो तभी आएगा ना जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, आपको कोई डिसीजन लेना है बट यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, सो व्हाट एवर डिसीजन यू विल टेक दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बिजनेस, और जो भी आप रन कर रही हैं उसके ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट? आर यू सेइंग समथिंग? नो सर, बेटी आप कुछ कह रही हैं? नो सर, कुछ ओके ओके, सो रिस्क के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इस स्टेट में क्या होता है कि जो डिसीजन मेकर होता है उसके पास इंफॉर्मेशन जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, उसके पास पूरी जानकारी जो है नहीं होती। यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलता है, वो सोचता है कि अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि इस तरह का आउटकम जो है निकल करके आए अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ। यहाँ पे प्रिडिक्शन वाला गेम ज्यादा है, ठीक है? तो ये रिस्क वाला स्टेट तभी होगा, लेकिन याद रखना, जब आपके पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी अवेलेबल, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी होगी, पूरी जानकारी नहीं होगी, है ना? रिस्क तभी होता है जब जानकारी एकदम नहीं होती, तो आप एकदम ही अनसर्टेन होते हो ना। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाला स्टेट नहीं है, यहाँ पे रिस्क वाला स्टेट है कि जानकारी आपके पास है बट इतनी जानकारी आपके पास नहीं है कि आपको ये पता रहे कि प्रॉबेबल आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रिस्क वाला स्टेट हो जाएगा। तो थोड़ा रीड कर लेते हैं। इन दिस स्टेट द डिसीजन मेकर हैज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स आर नोन।
इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, बट उसको ये पता है कि अगर वो डिसीजन लेगा तो इन फ्यूचर में जाकर के कौन कौन से आउटकम उसको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, डिसीजन के आउटकम्स उसको समहाउ पता है. द आउटकम ऑफ द डिसीजन कैन बी प्रिडिक्टेड विद सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. ठीक है, जो आउटकम है डिसीजन का उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है. अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा, आप डेफिनेटली कुछ हद तक, सम डिग्री यहाँ पे बोला है, कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि आपके डिसीजन का क्या आउटकम होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस माइट इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोडक्ट लाइन नोइंग दैट देयर इज अ 60% चांस ऑफ सक्सेस एंड 40% चांस ऑफ फेलियर. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि सपोज कोई एक बिजनेस है, उसको पता है कि कोई प्रोडक्ट लाइन नया लॉन्च करने वाले हैं, वो लोग उनको पता है कि 60% इसके चांसेस हैं कि ये सक्सेस हो जाएगा और 40% चांसेस है कि ये फेलियर भी हो सकता है. ठीक है ना, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है बट आपको आउटकम पता है, या तो 60% चल जाएगा, 60% चांसेस है कि चल जाए, 40% चांसेस है कि वो फेल हो जाए. तो वहां पे आप अगर डिसीजन लोगे कि आपको चलाना है, इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप रिस्क ले रहे हो. आप रिस्क वाले स्टेट में हो तभी आप रिस्क ले रहे हो. ठीक है, तो ये दूसरा स्टेट है. तीसरा स्टेट है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी में सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई जानकारी नहीं है, सिंपल सी बात है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके पास, और जो आउटकम है वो भी आपको नहीं पता. पहले वाले में क्या था, आपको जानकारी भी थी, आउटकम भी था. दूसरे वाले में क्या था, अभी जो हम लोगों ने किया, सर्टेनिटी वाले में, फिर से बताता हूँ, सर्टेनिटी वाले में आपको जानकारी कंप्लीट थी, आउटकम भी आपको पता था, वो सर्टेन था. रिस्क वाले में क्या है, जानकारी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, जानकारी इनकम्प्लीट है और आउटकम आपको ठीक तरीके से पता नहीं है, अननोन है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा. चौथे वाले में क्या होगा कि यहाँ पे, सॉरी गलत बोल गया, अनसर्टेनिटी वाले, रिस्क वाले में आपको आउटकम पता है पर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है. अनसर्टेनिटी वाले में दोनों ही नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं है और जो आउटकम होगा वो भी आपको नहीं पता है. तो उस केस में आपको अनसर्टेन होकर के ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आउटकम आपका क्या निकलने वाला है आपको पता नहीं है, और फिर भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको अनसर्टेन होना पड़ेगा उसके सक्सेसफुल होने को लेकर. द आउटकम ऑफ द डिसीजन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, बोला गया है द आउटकम ऑफ द डिसीजन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि आपको ना ही उसका आउटकम पता है ना ही आपको उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस माइट डिसाइड वेदर टू एक्सपैंड इन टू अ न्यू मार्केट विथ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट कंडीशंस और कंज्यूमर प्रेफरेंस. तो एक बिजनेस सपोज वो डिसाइड करती है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, नए मार्केट में वो घुसेगी. कोई सपोज कोई बिजनेस है जो कि दिल्ली में काम कर रही है, उसको काम करना है अब मुंबई में, लेकिन मुंबई की कंडीशंस के बारे में उसको नहीं पता, मुंबई की कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में भी नहीं पता है, मुंबई के जो लोग हैं उनको क्या पसंद है वो भी नहीं पता उनको. तो उस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, है ना. तो वहां पे आप एक तरीके से कंप्लीटली अनसर्टेन यू नो स्टेट में हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. अगर आप डिसीजन लोगे तो वो आपका जो स्टेट है, जो सिचुएशन है, वो अनसर्टेन ही होने वाला है. ठीक है, आखिरी पॉइंट है एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक तरीके से असमंजस, है ना, आप फंसे हुए हो किसी चीज में कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यहाँ पे आप कंप्लीटली अनसर्टेन होते हो कि ये काम अगर आप करोगे तो कुछ भी हो सकता है, आपको जरा भी जानकारी नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. नाउ इन दिस स्टेट द डिसीजन मेकर हैज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इट इज नॉट इवन क्लियर विद व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट. एम्बिग्विटी वाले में मैंने क्या बताया कि आप कंफर्म ही नहीं हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. इस स्टेट में क्या हो रहा है, डिसीजन मेकर के पास इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसको ये भी नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है वो रिलेवेंट है या नहीं है. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड जानकारी आपके लिए रिलेवेंट होगी, है ना, कौन सा मूवी लॉन्च हुआ वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं हो सकता जानकारी. ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आपके पास सही जानकारी हो, रिलेवेंट जानकारी हो. लेकिन एम्बिग्विटी वाले स्टेट में क्या होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट होता है और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी रिलेवेंट है या नहीं ये भी आपको नहीं पता होता. तो जो आउटकम होगा वो तो कंप्लीटली अनसर्टेन होगा ना, इसलिए यहाँ पे बोला गया है जो आउटकम है वो कंप्लीटली अनसर्टेन है. फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस माइट ट्राई टू डिटरमाइन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ रैपिडली चेंजिंग मार्केट. एक बिजनेस डिसाइड कर सकती है कि किस तरीके से वो मार्केट में जो बदलाव आ रहे हैं उसको बोलो किस तरीके से यू नो टारगेट कर सकते हैं. वेयर इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हाट फैक्टर्स आर ड्राइविंग द चेंजेस और हाउ लॉन्ग दे विल लास्ट, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस चेंज को होने के लिए मजबूर कर रहे हैं.
अगर कोई भी चेंजेस होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपके पास फैक्टर्स की जानकारी नहीं होगी तो आप हमेशा एम्बिग्युटी वाले स्टेट में ही रहोगे। एम्बिग्युटी वाला स्टेट का मतलब क्या हो गया कि आपके पास इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट है या नहीं आपको ये नहीं पता, और दूसरा कि कौन कौन से चीजें, कौन कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिसके कारण से मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं ये भी आपको नहीं पता, और कब तक वो लास्ट करेगा वो भी आपको नहीं पता। तो उस केस में जो स्टेट होगा, जो स्टेट बना हुआ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एम्बिग्युइटी, है ना। यहाँ पे स्टेट में बता रहा हूँ, राज्यों की बात नहीं हो रही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज है बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग वाटर का स्टेट देखते हैं ना कि बर्फ में बर्फ होता है, फिर सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, तो उस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। स्टेट मतलब सिचुएशंस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये चार सिचुएशंस होते हैं किसी भी डिसीजन मेकर के लिए जब वो डिसीजन लेने वाला होता है। आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, अब ये कंक्लूजन है। द मोस्ट प्रिवेलेंट स्टेट ऑफ द डिसीजन एनवायरनमेंट इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द रिस्क स्टेट। तो सबसे प्रिवेलेंट स्टेट है वो है रिस्क स्टेट। इन चारों स्टेट्स में, चारों सिचुएशंस में, जो दूसरा स्टेट था रिस्क स्टेट, जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन आपको आउटकम का नहीं पता, सॉरी आपके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और लेकिन आउटकम का आपको पता है कि 60% चांस है कि हो जाएगा, 40% चांस है कि नहीं होगा, वो जो स्टेट है रिस्क वाला स्टेट जो है वो हमेशा ही बिजनेस में देखने को हमें मिलता है। दिस इज बिकॉज मेनी बिजनेसेस डिसीजन इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बट प्रोबेबिलिटीज कैन ऑफन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस और अवेलेबल डेटा। अभी रिस्क वाला स्टेट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि जो डिसीजन, जो बिजनेस डिसीजन होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे आपको पता नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो काम करेगा कि नहीं करेगा, आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो अनसर्टेनिटी तो आपको देखने को मिलेगी ही। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होगी बट प्रोबेबिलिटीज भी होगी कि आपके पास जो प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रीवियस ईयर में जो आपने बिजनेसेस किया है, आपके पास जो जानकारी है, जो डेटा है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट यूज हिस्टोरिकल सेल्स डेटा टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिमांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। तो कोई एक नया प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करोगे तो उसका किस तरीके का डिमांड इन फ्यूचर में रहने वाला है आप पता कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा। आप हिस्टोरिकल डेटा चेक कर सकते हो कि किस तरीके से जब भी आप लोगों ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसका डिमांड किस तरीके का रहा है, तो एक रफ आइडिया आपको हो जाता है। तो ये रिस्क वाला स्टेट तो भाई रहेगा। बाय अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिसीजंस मैनेजर्स कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड एलोकेट रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, ठीक है ना। ये जो लेवल ऑफ रिस्क है, अगर इसके बारे में जानकारी मैनेजर्स के पास होगी तो डेफिनेटली वो लोग अच्छे तरीके से अपने चॉइसेस को ले पाएंगे और जो रिसोर्सेज हैं उनके पास अवेलेबल वो लोग उसको ठीक तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही, आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप अगर ज्वाइन करती हैं यू कैन पे द फी और एल्स इट